अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं जूनियर क्लर्क पीएस 11 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब पीपीएससी ने ये पेपर कंडक्ट किया था। ये मैं आपके साथ हलशुदा फार्म में शेयर कर रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। द कैपिटल ऑफ टर्की इज, टर्की का जो कैपिटल है वो है अनकारा। कभी कभी इस्तांबुल पे यूज़ होता है ऑप्शन में, आपने ख्याल रखना है इस्तांबुल इसका कैपिटल नहीं है, अनकारा है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच गैस इज़ यूज्ड इन बैलून्स, गुब्बारों में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, हीलियम है इसका राइट ऑप्शन। हु वाज़ द वायसराय एट द टाइम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेवल था उस वक्त वायसराय, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, उस वक्त जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेवल। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच विटामिन ऑब्टेंड फ्रॉम सन, विटामिन डी है जो सूरज से हासिल की जाती है। विटामिन डी की अगर कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस का बंदा शिकार होता है। जो विटामिन डी है ये विद इन बॉडी भी पैदा होती है, ये इसके बारे में है विटामिन डी। उसके बाद विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी है। इनके बारे लाजमी आप याद रखो, विटामिन के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर वक्त पीपीएससी में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, हड़प्पा इज सिचुएटेड, हड़प्पा जो है वो साहिवाल में वाक्य है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, हु रेमेंड द चैंपियन ऑफ स्क्वैश फॉर 5 ईयर्स, जहांगीर खान था, ये पाकिस्तान से इसका तल्लुक था, ये 6 टाइम चैंपियन रहा वर्ल्ड चैंपियंस, और ब्रिटिश चैंपियन ये रहा 11 टाइम आई थिंक। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग मैसेकर इज रिलेटेड टू विच जनरल, जनरल डायर है इसका राइट ऑप्शन। जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें जो मुसलमान थे वो कत्ल कर दिए गए थे, वो जनरल डायर ने कत्ल कर दिए थे, क्योंकि मुसलमान सब इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इनके खिलाफ जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था जो रोवल्ट एक्ट था उनके खिलाफ, तो जनरल डायर ने हुक्म दिया था कि मुसलमानों को कत्ल कर दो। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जिसमें 1200 से ज़ायद लोग जो थे मुसलमान वो शहीद हुए थे, और ऑलमोस्ट 379 पीपल वो कहते हैं कि शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, घोड़े से गिर कर ये अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री इज सिचुएटेड इन बोथ एशिया एंड यूरोप, ये इसका राइट ऑप्शन है टर्की, क्योंकि टर्की का एक सिटी है इस्तांबुल जो यूरोप में वाकई है, बाकी जो टर्की का एरिया है वो एशिया में है। ये 2 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल एक मुल्क है टर्की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन, ओजरी कैंप जो इंसिडेंट हुआ था वो 1908 में हुआ था रावलपिंडी में, क्योंकि जो मुसलमान थे उन्होंने काफ़ी असला ले आए थे, और ओजरी कैंप इंसिडेंट में उन्होंने वहाँ रखा हुआ था। तो अमेरिका को पता चला, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का विजिट करेंगे और हम चेक करेंगे। तो उस वक़्त जो हमारा जो जनरल था वो ज़ियाउलहक था, उन्होंने ओजरी कैंप इंसिडेंट को तबाह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल, इजिप्ट था इसका राइट ऑप्शन 1978 में, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था अनवर सादात, जिसने इसराइल को तस्लीम किया जंग बंदी करके, उसके नतीजे में जो पहला मुसलमान था अनवर सादात, जिसको नोबल प्राइज़ भी दिया गया था पीस में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सिमन कमीशन विजिट इंडिया हाउ मेनी टाइम्स, जो सिमन कमीशन है ये 1927 में बना था, और जो इसने फर्स्ट टाइम इंडिया का विजिट किया था वो 1928 में किया था, फिर 1929 में भी इसने इंडिया का विजिट किया, और जो सिमन कमीशन की जो इनकी जो रिपोर्ट है वो 1930 में जाकर पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, व्हेन फर्स्ट वुमन बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, इसका जो राइट ऑप्शन है 1989 बेनजीर भुट्टो के दौर में फर्स्ट वुमन बैंक बनी थी वो कराची में। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैट इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, साउथ बीच इज लोकेटेड इन फ्लोरिडा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु लेड द शिमला डेपुटेशन इन 1906 विद 35 मेंबर्स, सर आगा खान था इसका राइट ऑप्शन। इनकी जो शिमला वफ्द है 1906 में, ये लॉर्ड मिंटो था उस वक्त, उसके पास चले गए थे कि हमें एक अलग, हमारा जो मुतालबा है कि हमें एक अलग जो है एक हमारी लीग बनाई जाए। इसके नतीजे में 1906 में फिर
मिंटू से वापसी के बाद ये ढाका में चले गए थे 30 दिसंबर 1906 में, जो इनकी जो सेंट्रल मोहम्मडन बनी हुई थी लीग उसको चेंज करके मुस्लिम लीग में तब्दील कर दिया गया था 30 दिसंबर 1906 को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था इसका राइट ऑप्शन। 1857 में ये इनकी जो वायसराय स्टार्ट हुई थी वो फर्स्ट वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टोमेटो इज पार्ट ऑफ प्लांट, जो टमाटर है ये फ्रूट है न कि वेजिटेबल है, ये आप लाजमी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे पास सिल्क रोड कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना, जो सिल्क रोड है पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है। सिल्क रोड का जो दूसरा नाम है वो है कराक्रम, कराक्रम है, कराक्रम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे पास दी पैम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाई चौधरी रहमत अली, था इसका राइट ऑप्शन। 23 हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड इन 1948 बाई कैद आजम, यकुम जुलाई 1948 को कैद आजम ने इसका इफ्तिताह किया था। 24 है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड इन 1867, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की बेस पर सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया कभी एक कौम नहीं बन सकती, और यही भी दो कौमी नजरिया की वजह बनी। 25 हमारे पास अरेबियन सी लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ पोल में वाकई है अरेबियन सी। 26 है, हमारे पास डूरन लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन दी टू कंट्रीज, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान डूरन लाइन 1893 में ड्रा की गई थी, अफगानिस्तान का किंग उस वक्त अब्दुलरहमान था। 27 हमारे पास वैन इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने 1 अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया था। 28 हमारे पास दी बुक है खुतबात अहमदिया इज रिटन बाई सर सैद अहमद खान। K2 इज लोकेटेड इन विच टू कंट्रीज, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वाकई है K2, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म उमरा हाउ मेनी टाइम्स, 4 times था इसका राइट ऑप्शन, परफॉर्म्ड हज ओनली 1 time। 31 है, हमारे पास अबू जहल वाज किल्ड इन विच गजवा, गजवा बद्र में अबू जहल को मारा गया था। अबू जहल जो था वो गजवा बद्र में कुफार को लीड कर रहा था। अबू जहल का जो असल नाम है वो है अमर बिन हिशाम। क्वेश्चन नंबर 32 है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड व्हेन इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न, 86 है इसका राइट ऑप्शन। हाउ मेनी एंजल्स आर मेंशनड इन होली कुरान, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों का जिक्र है, 7 है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूरिंग हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड, हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारना रम्मी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35, वट वॉज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, इमाम बुखारी का असल नाम क्या था, मोहम्मद बिन इस्माइल था इसका राइट ऑप्शन।